हाँ जी, वेलकम बैक इन दिस चैनल क्रेजी क्राफ्ट्स वर्ल्ड। आप सब कैसे हो नीचे कमेंट करके बताना ज़रूर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे घर पे ऐसे बहुत सारे बॉक्स है या फिर मोबाइल का डब्बा है जो हम लोग फेंक देते हैं, क्यों ना उसको हम एज अ डेकोरेट करें एज अ बॉक्स बा या फिर हम उसको स्टोरेज बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वीडियो पे आगे जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और उसके बाजू में जो बेल आइकन है वो भी दबा देना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक पुराना मोबाइल का डब्बा मेरे पास था तो मैंने सोचा क्यों ना इसको डेकोरेट करें यूज़ करने के लिए। तो इसका एक ढक्कन बनाना ज़रूरी है क्योंकि इसका दोनों पार्ट है ना, तो दोनों को मैं अलग अलग यूज़ करूँगी। और इस कार्डबोर्ड को लगाने के लिए मैं यहाँ पे जो ऐसा कब्जा आता है, बंगाली में हम लोग कब्जा बोलते हैं, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हम स्टिक करेंगे स्ट्रॉन्ग ग्लू से। आप यहाँ पे फेविक्विक भी लगा सकते हैं या फिर हॉट ग्लू गन से भी लगा सकते हैं, पर स्ट्रॉन्ग ग्लू यूज़ कीजिएगा, ठीक है। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, यहाँ पर मैं एक ही लगा रही हूँ क्योंकि ये बड़ा है, तो आपके पास छोटा छोटा अवेलेबल है तो वही दोनों लगाइए दोनों साइड पर, ठीक है। तो इसको मैं स्टिक करूँगी फेविक्विक या फिर स्ट्रॉन्ग ग्लू से। अब यहाँ पे देखिए जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैं थोड़ा काट दूंगी, इतना बड़ा हमको नहीं चाहिए तो इसीलिए मैं साइड से भी कट कर लूँगी और कॉर्नर को ट्रिम कर लूँगी। तो देखिए हमारा हो गया, दोनों साइड पे लगाएंगे तो अच्छा होगा, पर मेरे पास एक ही था तो मैं वही एक ही लगा रही हूँ। उसके बाद थोड़ी और डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैं छोटे छोटे स्ट्रिप कट कर लिया हूँ, इसको एज अ बॉक्स में यूज़ करूँगी। आप देखते जाइए मैं कैसे यूज़ करूँगी। और इसको लगाने के लिए मैं नॉर्मल फेविकॉल यूज़ कर रही हूँ, आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं आपके पास जो अवेलेबल है। और हाँ गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते आप लोग? बहुत सारे लोग हैं जो लोग वीडियो तो देखते हैं, पसंद भी करते हैं, पर सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो ज़रूर कीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब यहाँ पे देखिए मैं एक पेस्ट बना रही हूँ, वाटर एंड ग्लू को मिला के, ग्लू को थोड़ा लिक्विड कर रही हूँ बस, और कुछ नहीं। अब इसको मैं यहाँ पे न्यूज़पेपर लगाऊंगी क्योंकि कार्डबोर्ड का जो साइड का हिस्सा है जो इस तरह से दिखता है उसको ढकने के लिए मैं यहाँ पे ग्लू एंड पेपर यूज़ कर रही हूँ। आप न्यूज़पेपर की जगह पे टिशू पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, पर मेरे पास टिशू पेपर नहीं है तो इसीलिए मैं न्यूज़पेपर यूज़ कर रही हूँ। ऐसे मैं पूरी तरह से ढक दूँगी इस कार्डबोर्ड को ताकि अच्छा सा इवन सा लुक आए साइड से, इसीलिए। अब इसको मैं सूखने के लिए छोड़ दूंगी। यहाँ पे मैं अब दो कार्डबोर्ड का पीस कट कर लिया हूँ, अब इसको मैं स्टिक करूँगी यहाँ पे। आप देखिए, आप कुछ आपके प्लस एम्बलिशमेंट है तो आप वो भी यूज़ कर सकते, पर मेरे पास नहीं है इसीलिए मैं कार्डबोर्ड से ही इसको डेकोरेट करूँगी। आप देखते जाइए मैं कैसे करती हूँ। आप यहाँ पे नॉर्मल कलर भी कर सकते, पर यहाँ पे मैं क्ले से या ड्राई क्ले से डेकोरेट करूँगी। उसके बाद एक स्ट्रिप लिया हूँ, इसको भी मैं यहाँ पे लगा दूँगी। चलिए अब मैं यहाँ पे मोल्डेड क्ले यूज़ कर रही हूँ, उसको मैं अच्छे से एक डो बना लिया। आप देखिए यहाँ पे जो पेपर मैंने लगाया है वो अच्छे से सूख गया है। उसके बाद मैं छोटी छोटी डिटेलिंग करूँगी इससे। मैं यहाँ पे दो क्लॉक बना रही हूँ, यहाँ पे जो इन दोनों पे दो क्लॉक बना रही हूँ। तो आप देखते जाइए मैं कैसे बना रही हूँ। और इस सारे क्ले को मैं लगाने के लिए मैं नॉर्मल फेविकॉल लगा रही हूँ, ओके। और आपके पास क्लॉक का एम्बलिशमेंट है आप वो भी लगा सकते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पर मैं ऐसे ही डेकोरेट करूँगी क्योंकि ऐसे अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए। अब मैं यहाँ पे पेंसिल से कुछ लिख रही हूँ क्लॉक,
आप यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं, आप आपकी मर्जी से कुछ भी डेकोरेट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं इस क्लॉक को भी थोड़ी हाईलाइट करने के लिए या फिर 3D लुक देने के लिए मैं यहाँ पे क्ले यूज़ कर रही हूँ, और क्ले को कट करने के लिए मैं यहाँ पे एग्जैक्टो नाइफ यूज़ कर रही हूँ, या फिर पेपर कटर जो नाइफ आता है मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत आसान होता है, दिखने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर बहुत अच्छा है, बहुत आसान है, और आपकी जो वर्क है वो बहुत अच्छा लगता है सूखने के बाद। तो आप टाइम लीजिए और उसको करिए, और ट्राई करते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम पे मुझे टैग ज़रूर कीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ओके, तो देखते जाइए आप, कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर। अब यहाँ पे मैं बॉटम पे एक लाइन लगाऊंगी क्ले से ही, ताकि अच्छा सा एक बेस दिखे इसका, बिल्कुल इस तरह से। अब ये क्ले वर्क को हम सूखने के लिए बिल्कुल एक दिन के लिए हम छोड़ देंगे, ठीक है। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, यहाँ पे मैं पहले से ही जेसो अप्लाई कर चुकी थी, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वाइट पूरा बॉक्स को ही मैं अच्छे से जेसो से कवर कर दिया। उसके बाद ये सूखने के बाद यहाँ पे मैं स्टेंसिलिंग करूँगी। यहाँ पे मैं आप यहाँ पे टेक्सचर पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं घर पे टेक्सचर पेस्ट बनाया था। यहाँ पे मैं ग्लू, प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर, यहाँ पे मैं स्टेंसिलिंग कर रही हूँ ब्रिक वॉल का। अब इन सबको सूखने के लिए छोड़ दूंगा, और छोड़ने के बाद अब जब क्ले या फिर स्टेंसिलिंग सूख जाए उसके बाद मैं फिर से एक कोट जेसो लगाया हूँ ऊपर। आप देख सकते हैं मैं जेसो लगा के सूखा चुकी हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं कलर अप्लाई कर रही हूँ, यहाँ पे मैं डार्क ब्लू एंड ब्लैक को यूज़ कर रही हूँ। आप नॉर्मल ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे दोनों कलर को मिक्स करके एक डार्क सा कलर बनाया हूँ उसके मैं अप्लाई करूँगी, और इसको मैं पूरा बॉक्स को कवर करूँगी अंदर भी। देखिए मैं अच्छे से यहाँ पे मैं साड़ी को कलर कर चुकी हूँ। उसके बाद इसको इस सारे डिटेलिंग को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे मैं येलो यूज़ कर रही हूँ एक स्पॉन्ज से लेके, ताकि डिटेलिंग अच्छे से उभर के आए, क्योंकि एक एंटिक लुक देना भी ज़रूरी है। मैं यहाँ पर एंटिक बॉक्स बना रही हूँ, इसीलिए आप ये सब नहीं करना चाहते हो तो आप नॉर्मल कलर कर सकते हो, आपकी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो मैं येलो कलर यूज़ कर रही हूँ इसको आप नॉर्मल ड्राई कलर यूज़ कीजिए, ओके। यहाँ पे कुछ पानी नहीं होना चाहिए, जस्ट एक एंटिक लुक देने के लिए। यहाँ पे मैं स्पॉन्ज टेबर आप यूज़ कर सकते हो, मेरे पास स्पॉन्ज टेबर अभी नहीं है, तो इसीलिए मैं स्पॉन्ज से हेल्प से थोड़ी कॉर्नर को भी हाईलाइट करूँगी, ताकि अच्छे सा एंटिक लुक आ जाए बिल्कुल इस तरह से। आपके पास गोल्डन कलर है तो आप गोल्डन कलर भी लगा सकते हो, मेटालिक वैक्स है तो आप वैक्स भी यूज़ कर सकते हो, इससे भी किसी का आता है, पर मेरे पास नहीं है इसलिए मैं नॉर्मल घर पे जो अवेलेबल है वही यूज़ कर रही हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे थोड़ी और डिटेलिंग की बड़ी। अब यहाँ पे अंदर को मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी, अंदर को भी मैं कलर करूँगी जो बाहर में कलर यूज़ किए थे वही। ये ऑप्शनल है, आप ऐसे ही रख सकते हैं, आपके ऊपर है, पर मैं यहाँ पर कलर कर रही हूँ। ये ऑलमोस्ट रेडी है, अब यहाँ पर थोड़ी और रेड का टिंट मैं दे रही हूँ, ताकि अच्छे से उभर के है, थोड़ी और अच्छा लगे, इसीलिए ये भी ऑप्शनल है, आप आपकी मर्जी से कुछ भी करिए। या ऑलमोस्ट रेडी है, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। और अपना यहाँ पे लॉक लगा सकते हो, लॉक भी इससे बिट से में मिलता है, पर मैं लॉक नहीं लगा रही हूँ। यहाँ पर मैं जूट रूप के सहारे से एक नॉर्मल धागा जैसा लगा रही हूँ, ऐसे मैं इसको स्ट्रॉन्ग ग्लू से लगा दूंगी ताकि खोलने में आसानी हो। तो रेडी हो गया है, तो चलिए मिलते हैं अगले संडे, तब तक के लिए खुश रहिए और ध्यान से रहिए।